हाय, आप सभी का स्वागत है मेरे इस ब्लॉग में। और मैं लेकर हाजिर हूँ आप सभी के लिए आज एक नया प्रोडक्ट का रिव्यू। जी हाँ, सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो भी मेरे इस ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। आप सभी के सपोर्ट की हमें बहुत ज़रूरत है। आज का जो प्रोडक्ट है वो है ब्यूटी रिलेटेड। और जहाँ ब्यूटी की बात आती है तो आजकल मार्केट में सबसे ज़्यादा डिमांड जो है वो नेचुरल प्रोडक्ट की है। लोग ज़्यादा से ज़्यादा नेचुरल चीज़ों को यूज़ करना चाहते हैं और वो बहुत अच्छी बात है। अगर नेचुरल चीज़ों की बात आ रही है तो आज मार्केट में सबसे ज़्यादा नाम जो है वो है ममार्थ का। आप समझ गए होंगे कि आज का रिव्यू किसके ऊपर होने वाला है। जी हाँ, बिल्कुल सही समझे हैं, आज का रिव्यू जो है वो मेरा ममार्थ के प्रोडक्ट के ऊपर ही होने वाला है। सबसे पहले मैंने जो है उसकी साइट पर से ही प्रोडक्ट ऑर्डर किया है। मैंने 5-6 डेज उनको यूज़ किया, उसके बाद में उसका रिव्यू देने के लिए अभी मैं आप डॉग शूट कर रही हूँ। क्योंकि किसी भी प्रोडक्ट को हम एक बार यूज़ करने के बाद उसका रिव्यू नहीं दे सकते हैं। एक दिन यूज़ करने पे हमें पता नहीं चलता कि वो प्रोडक्ट सच में यूज़फुल है या नहीं है। तो मैंने उसको 1 वीक ट्राई किया, मुझे फिर पता चला कि हाँ, ये इस स्किन के लिए अच्छा है और नहीं। इसलिए मैं लेकर हाजिर हूँ आज से ही ब्लॉग। और ये फुल ब्लॉग आपको यूट्यूब पे जो है वो ब्यूटी रिलेटेड प्रोडक्ट का रिव्यू है, और वो है अभी सबसे ज़्यादा फेमस ब्रांड ममार्थ का। ठीक है, तो सबसे पहले मेरी रिक्वेस्ट है उन लोगों से जो मेरे इस ब्लॉग को फर्स्ट टाइम देख रहे हैं, तो प्लीज़ गाइस सब्सक्राइब करें, शेयर करें और बेल आइकन को क्लिक करें। और चलिए, तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए मैं इसको स्टार्ट करती हूँ। मैंने ममार्थ की साइट पर से ही मैंने ये प्रोडक्ट सारे जो है वहाँ से ही मंगाए थे। सबसे पहले मैंने मंगाया था ओपटन फेस वॉश, जिसमें विटामिन एंड सेफ्रॉन ये रहा। और अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो प्राइस जो है इसकी है 400 रुपीज़, 399। ये है उसका फेस वॉश। उसके बाद मैंने ऑर्डर की है उसकी सबसे ज़्यादा फेमस जो प्रोडक्ट, मैंने वही ऑर्डर की है भैया, और वो है उसकी फेस क्रीम विटामिन सी। उसके बाद उसकी लिपस्टिक। लिपस्टिक जो है ज़्यादातर लोग अभी ममार्थ की ज़्यादा यूज़ करना चाहते हैं, क्योंकि जो है वो नेचुरल है, नेचुरल प्रोडक्ट है। इसलिए तो चलिए ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए रिव्यू स्टार्ट करते हैं और फुल ब्लॉग। सबसे पहले मैं रिव्यू दे जो देना चाह रही हूँ वो है ममार्थ के ओपटन फेस वॉश का, और उसके बाद हम देखेंगे उसकी विटामिन सी क्रीम का और उसकी लिपस्टिक का। ओके, सबसे पहले जो है वो है मैं फेस वॉश यूज़ करने जा रही हूँ। फेस वॉश की पैकेजिंग बहुत प्यारी सी है, ऊपर एक ब्रश दिया हुआ है जो बहुत ही सॉफ्ट है, आपको सिर्फ इतना प्रेस करना है एंड ये आप देख सकते हैं। सॉरी, ये नाइट में मुझे ब्लॉग शूट करना पड़ रहा है इसलिए लाइट की भी वजह से थोड़ा फोकस ज़्यादा आ रहा है। ये देख सकते हैं आप, इसको आपको इजीली इस तरह अपने फेस पर घुसना है। उसके बाद एकदम साफ पानी से इसे जो है अच्छे से धो दीजिए। मैं आपको इसे धो के बताती हूँ। मैंने अभी इसको लगाकर और यूज़ करके आप सभी को दिखा दिया है। स्किन तो बहुत सॉफ्ट हो गई है मेरी, आप देख सकते हैं एकदम साफ़ हो गई है। लेकिन अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये स्किन मेरी यहाँ पे फटी फटी सी दिख रही है, और मैं आपको बता नहीं सकती हूँ कि मुझे अभी इसको यूज़ करने के बाद इतनी इचिंग हो रही थी फेस पे, ऐसा लग रहा था कि किसी ने मिर्ची लगा दी हो सच में। और मैंने इसको 6 दिन यूज़ किया, और उसके बाद फिर आज मैं आपके सामने फिर से यूज़ करके आपको दिखाने के लिए सिर्फ यूज़ किया, क्योंकि मैंने फिर 6-7 दिन से यूज़ किया है। प्रोडक्ट अच्छा है, पर वो जो है जिसकी स्किन बहुत ऑयली है उसके लिए अच्छा है। अगर आपकी स्किन ऑयली नहीं है, रफ है, तो आप बिल्कुल यूज़ मत करिए, नहीं तो आपको बहुत प्रॉब्लम होने वाली है, बहुत इचिंग होगी इस चीज़ को लेके। और सेकंड चीज़ ये है कि ये दावा करता है कि स्किन टोन जो है वो ब्राइट करेंगे, क्लियर स्किन करता है, बट मुझे ऐसा यूज़ करने पर कुछ फील नहीं हुआ है पर्सनली। और आप ये अच्छे से देख सकते हैं यहाँ पे स्किन मेरी जो है वो बहुत ज़्यादा रफ हो गई इसके यूज़ करने के बाद।
तो ये सजेस्ट करूँगी जिसकी स्किन बहुत ऑयली है वो इसे यूज़ करें दिन में सिर्फ एक बार, अगर आपको फेस को क्लीन करना है तो। अदरवाइज जिसकी स्किन रफ है वो इसको यूज़ बिल्कुल भी ना करें। मैं ये सजेशन बिल्कुल नहीं दूंगी, आप लोगों को सजेस्ट नहीं करनी मैं इस चीज़ के लिए कि आप इसको यूज़ करें। अगर आपकी स्किन, अभी मैंने आपको बता तो दिया इसके बारे में। और जो है अगर क्वांटिटी की बात करें तो 400 रुपीज़ में हमें इसकी क्वांटिटी जो मिली थी वो मिली थी हमें यहाँ तक की। जी हाँ, मैंने इसको 6 डेज़ यूज़ किया इसलिए अभी यहाँ पहुँच गया है, और उसके बाद फिर मैंने बंद कर दिया क्योंकि मेरा फेस बहुत ज़्यादा रफ हो गया है। और ये आप देख सकते हैं इसका जो ये एकदम लिक्विड फॉर्म में ये फेस वॉश। मोस्ट ऑफ हम जो फेस वॉश यूज़ करते हैं वो थोड़ा क्रीमी लगता है हमें, उसकी एक और जो है थिकनेस होती है उसमें, और बट इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। और जो है ठीक है, प्रोडक्ट अच्छा है अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो। अदरवाइज़ मैं आपको नहीं कहूँगी कि आप इसे यूज़ करिए, बाकी अगर आपको यूज़ करना तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। बट अब बात आई इसकी, तो मैं इसको 10 में से 5 मार्क्स दूंगी। अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो ये आपके लिए बहुत अच्छा है, बट अगर आपकी स्किन जो है वो रफ़ है तो आप इसे यूज़ मत करिए। मेरी स्किन जो है वो बहुत ऑयली नहीं है, बहुत रफ़ नहीं है, मैंने इसे सिर्फ 5 डेज़ यूज़ किया उसके बाद मेरी स्किन रफ़ हो गई है, तो अभी तो मैं बिल्कुल इसे यूज़ नहीं करने वाली हूँ। तो अगर आपकी स्किन जो है ऑयली है तो आप इसको यूज़ करिए, अच्छी बात है। सो आज का ये प्रोडक्ट तो डन हुआ, अब लेकर हाजिर होंगी मैं ममा अर्थ का नया प्रोडक्ट, और वो उसके ऊपर देखते हैं वो कैसे वर्क करता है। तो तब तक के लिए आज बस इतना ही, फिर मिलेंगे एक नए ब्लॉग में, और फिर मिलेंगे ममा अर्थ के।